हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर थर्ड और जो लास्ट पार्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्ट है, इसमें आपका स्वागत है। ये बीच में काफी थोड़ा गैप हो गया था वीडियो में थर्ड पार्ट डालने में। एक्चुअली बगल में रामलीला एंड ऑल चल रहा था और साथ में काफी प्रोग्राम चल रहे थे अगल बगल में, जिसके कारण शोर शराबा जो है काफी ज्यादा था, इसलिए कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। और इसीलिए मुझे 3 4 दिन रुकना, 4 5 दिन रुकना पड़ गया था। 4 5 दिन से आई थिंक ज्यादा ही हो गया होगा, है ना। चलो कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है, टाइम टू टाइम फेस्टिवल मनाने चाहिए। और अब मैं फटाफट से आपके लिए वीडियोस जो है थोड़ा स्पीडली मैं लेके आ जाऊंगा अभी, ठीक है ना। 3 4 दिन लगातार आपके पास वीडियोस आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट को, जो आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का। सबसे पहला पॉइंट जो है बच्चे इसमें, वो है बनावट के अनुसार सारणी, क्योंकि हमने दो तरीके से तो सीख ली थी सारणी, अब है बनावट के अनुसार सारणी क्या होती है। तो उसने बोला सरल या एक गुण वाली सारणी, सरल सारणी या एक गुण वाली सारणी। तो नाम से पता चल रहा है, इसने कहा यह वह सारणी होती है जो आंकड़ों की केवल एक ही विशेषता का वर्णन करती है, यानी यह आंकड़ों की सिर्फ एक विशेषता को प्रकट करती है, सिर्फ एक विशेषता को, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सरल या एक गुण वाली सारणी, क्लियर हो गया। उसके बाद इसने बोला यहां पे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख दिया, यहां पे एग्जाम्पल बना दिया आपके लिए, उदाहरण, जैसे मान लो मैंने यहां पे प्राप्त अंक, यानी कितने अंक प्राप्त किए विद्यार्थियों ने, वो लिखा। मैंने 0 से 5 प्राप्त करने वाले 10 विद्यार्थी थे, जिनके नंबर 5 से 10 आए ऐसे विद्यार्थी 7 थे, जिनके नंबर 10 से 15 आए ऐसे विद्यार्थी 13 थे, और जिनके नंबर 15 से 20 के बीच में आए वो ऐसे विद्यार्थी हमारे क्या है, 5 है। तो ये विद्यार्थियों की संख्या, तो मतलब सिर्फ इसमें क्या है, एक ही विशेषता, यानी विद्यार्थियों की संख्या, मैंने सिर्फ इतना बोला है, तो एक ही विशेषता बता रहा है, तो इसे बोलते हैं एक गुण वाली सारणी या सरल सारणी, क्लियर हो गया। जबकि जो दूसरा होता है वो होता है आपका जटिल सारणी। क्या होती है, जटिल सारणी होती है। तो जटिल सारणी वो सारणी होती है जो आंकड़ों की एक से अधिक, यानी एक से अधिक विशेषताओं या गुणों को प्रकट करती है, उन गुणों का वर्णन करती है, ये भी लिख सकते हो, गुणों का वर्णन करती है, या ये बोलू यह वह सारणी है जो आंकड़ों की एक से अधिक विशेषताओं ऑब्लिक गुणों को प्रकट करती है, क्लियर हो गया। चलो, तो जटिल सारणी के अंदर आपके सबसे पहले जो सारणी वो है द्विगुणी सारणी। द्विगुणी सारणी का मतलब होता है एक ऐसी सारणी जो कि दो विशेषताओं का, जो कि आंकड़ों की दो विशेषताओं का वर्णन करती है, दो विशेषताओं को प्रकट करती है, दो गुणों को प्रस्तुत करती है, जो मर्जी बोलो सब एक ही बात है। तो दो नाम से पता चल रहा है, बहुत आसान सा है, ठीक है ना। जैसे मैंने प्राप्तांक लिखे, तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या में आप दो तरह से लिख दिया मैंने, लड़के और लड़कियां, लड़कों ने लड़कों के नंबर ऐसे ऐसे हैं, लड़कियों के नंबर ऐसे ऐसे, फिर इनका टोटल में दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो ये जो है ये दो गुणों की बात कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, द्विगुणी बोला बेटा, क्या बोला, द्विगुणी सारणी। तो एक गुणी कौन सी, जिसमें एक एक आंकड़ों की एक विशेषता का अध्ययन होता नहीं, एक विशेषता को प्रस्तुत किया जाता है, जटिल जिसमें एक से अधिक किया जाता है विशेषताओं को प्रकट, ठीक है ना, आंकड़ों की। और जटिल के अंदर सबसे पहले द्विगुणी है, द्विगुणी में दो विशेषताओं को प्रकट किया जाता है, क्लियर हो गया ना। फटाफट से नोट डाउन करिए, इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास क्या है कि जो हम पढ़ रहे थे बनावट यानी रचना के आधार पर सारणी में, त्रिगुणी सारणी, ठीक है ना। तो त्रिगुणी सारणी वो सारणी होती है जो आंकड़ों की तीन विशेषताओं यानी तीन गुणों को प्रकट करती है, यानी जो आंकड़ों की तीन विशेषताओं को प्रकट करती है, फिर तीन गुणों को प्रकट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिगुणी सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिगुणी सारणी बोलते हैं। देखो बहुत सारी बुकें ऐसी है जिसमें, देखो सारणियों में ना, देखो एक तो हमने क्या पढ़ा था अभी, सरल सारणी पढ़ा था, उससे भी जटिल, जटिल में दो ही पढ़ाते हैं ज्यादातर, एक तो हो गया आपका द्विगुणी, एक होता है बहुगुणी। दोगुणी में जिसमें दो गुण होते हैं, बहुगुणी मतलब जिसमें दो से ज्यादा होते हैं, तो त्रिगुणी को भी बहुगुणी के अंदर पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। बट कुछ बुकें ऐसी होती है जिसमें क्या है, त्रिगुणी को अलग रखा हुआ है, बहुगुणी को अलग रखा हुआ है, ठीक है ना, तो फिर हम अलग अलग भी पढ़ा देते हैं बात में। देखो तो क्या बोला मैंने, मैंने कहा देखो सरल सारणी तो आपने पढ़ा हुआ है, सरल का जटिल आता है, जटिल के अंदर दो पार्ट होते हैं वैसे तो, द्विगुणी और बहुगुणी एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है ना। मगर कुछ बुकों में द्विगुणी फिर त्रिगुणी, यानी जिसमें तीन विशेषताएं होती है, उसको अलग रखा हुआ है, और फिर बहुगुणी को अलग रखा है जिसमें तीन से ज्यादा होगी, तो मैंने वो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा, बिल्कुल उसी तरह से तोड़ा हुआ है। तो मैंने त्रिगुणी सारणी को अलग से समझा दिया, इसमें तीन विशेषताओं यानी तीन गुणों को प्रकट करती है, जो जैसे ये प्राप्त अंक यानी कितने अंक प्राप्त हुए उसके बारे में डेटा है, ये विद्यार्थियों की संख्या, अब विद्यार्थियों में लड़के कितने हैं सेक्शन ए सेक्शन बी में, सेक्शन ए में लड़के ये रहे, सेक्शन बी में लड़के ये रहे, ठीक है ना। फिर लड़कियां सेक्शन ए सेक्शन बी, और फिर इनका कुल योग, तो कुल योग कैसे, सेक्शन ए का 3, सेक्शन
एक है यहाँ पे दो, तो तीन और दो कितने हो गए पांच, ग्यारह और तीन कितने, ग्यारह और नौ कितने हो गए बीस, इस तरह से तो मैंने योग कर दिया। तो इसमें क्या, मैंने तीन विशेषताओं की बात कर रहा हूं, किसके कर रहा हूं तीन, एक तो कौन सा आपका जो सेक्शन ए सेक्शन बी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है ना, यानी लड़कों का फिर लड़कियों का फिर टोटल कितने हैं, इस वे में पढ़ सकते हो या ऐसे पढ़ सकते हो कि इसमें मैं देखो लड़का लड़कियां दो इस वे में रखा और तीसरा हमने सेक्शन की फॉर्म में इनको बांटा हुआ है, तीन विशेषता, इस तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तीन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, इस वे में पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। वैसे बताऊं तो देखो ज्यादा कुछ खास नहीं है टॉपिक, बकवास टॉपिक है, ठीक है ना। बुक भी इसमें थोड़ा सा ना उटपटांग सा रहती है, कैसे कुछ बुकें बोलती हैं कि देखो उसको अंकों के बेस पे, एक विशेषता अंकों के बेस पे हो गई, दूसरा लड़के लड़के यानी लिंग के बेस पे, उसको तीसरा सेक्शन, तो इस बेस पे भी बोलती है कि तीन विशेषताओं का अध्ययन हो रहा है, एक तो लिंग के बेस पे, लिंग पे कौन आ गया लड़के लड़कियां आ गई, लड़के या लड़कियां, ठीक है ना। अंकों के बेस पे विशेष मतलब वो हो रहा है गुण, अंकों का अध्ययन हो रहा है, लिंग का यानी जेंडर का अध्ययन हो रहा है और सेक्शन का अध्ययन हो रहा है, तो इस वे में भी बोल सकते हैं इसको कि इसमें तीन विशेषताओं का क्या हो रहा है अध्ययन हो रहा है, क्लियर हो गया। फिर आता आपके पास बहुगुणी, बहुगुणी सारणी मतलब हो गया ये वो सारणी होगी जिसमें तीन से अधिक, ये दो गुणी में दो था, तीन गुणी में तीन था, इसमें बहुगुणी में तीन से अधिक गुणों या विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है या फिर उनको प्रस्तुत या प्रकट किया जाता है, जो मर्जी बोलो, क्लियर हो गया। तो अब बहुगुणी सब बहुगुणी की भी एक सारणी देख लेते हैं, ठीक है ना, फटाफट से चलो आप इतना नोट डाउन करिए। तो इसमें भी देखो तालिका देख लेते हैं, इसमें भी हम तालिका देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें भी देखो क्या बनाया मैंने, छात्र छात्राएं ग्रामीण शहर में कितने कितने, ग्रामीण शहर में कितने कितने, विवाहित अविवाहित, विवाहित अविवाहित, इस हिसाब से बनाया है, ठीक है। और फिर इन सबका टोटल मैंने यहाँ कर दिया, हो सकता है टोटल क्या है मैंने कहा था गलत कर दिया हो, प्लीज आप एक बार टोटल कर सकते हो इन सबका टोटल यहाँ पे, डन। टेबल को समझते हैं, देखो यहाँ पे इसको बहुगुणी क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो एक तो उसमें छात्र छात्राओं, ठीक है, यानी लिंग के आधार पर हमने क्या करा, भेदभाव किया, सॉरी ये वर्ड गलत निकल गया, यहाँ पे हमने क्या करा है लिंग के आधार पर क्या करा है इनका मतलब विभाजन किया है, विभाजन सही वर्ड है, ठीक है ना, एक विशेषता। नंबर दो, फिर गांव और शहर के हिसाब से किया है, दो, फिर उनका विवाह हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना, ये तीन हो गए, समझा गया। तो एक हमने छात्र छात्राओं के हिसाब से विभाजन किया, दूसरा ग्रामीण शहर है, तीसरा विवाहित अविवाहित, और चौथा उनके कक्षा के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे जो विभाजन हुआ है वो चार तरीके से हो गया, किसके हिसाब से हुआ, कक्षा, लिंग, कहाँ वो रहते हैं गांव शहर, उनके आवास और विवाह की स्थिति कि वो विवाहित है या अविवाहित है, ठीक है। तो यहाँ पे चार गुणों यानी चार विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बहुगुणी बोला, क्या बोला, बहुगुणी, यानी चार विशेषताओं के आधार पर हमने क्या करा है यहाँ पे विभाजन किया, क्लियर है। यहाँ पे ये कितनी टेबल सारी, इससे मतलब नहीं है, कितनी चीजों के कारण विभाजन हो रहा है इससे मतलब होता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ उस चीज को, ठीक है ना। तो आपको सरल, उसके बाद जटिल के अंदर द्विगुणी, उसके द्विगुणी के बाद आपका त्रिगुणी, और फिर उसके बाद क्या था हमारा बहुगुणी, समझ में आ गया। द्विगुणी में भी देखो क्या था, प्राप्तांक लिखे थे मैंने शायद जहां तक, एक अंकों के हिसाब से विभाजन हुआ था, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या, तो दो के हिसाब से हुआ था, ठीक है ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए कि चैप्टर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, बिल्कुल फटाफट से नोट डाउन करिए। अब आगे देखिए, अब हमारे पास है आंकड़ों का वर्गीकरण, यानी आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। देखो लगभग लगभग बिल्कुल वही है जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना वर्गीकरण के बारे में, कि स्थान के आधार पर, समय के आधार पर, बिल्कुल सेम वैसे ही है आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो उसने बोला आंकड़ों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक मतलब जब आंकड़ों का वर्गीकरण गुणात्मक विशेषताओं या गुणात्मक लक्षणों के आधार पर, जब आंकड़ों का वर्गीकरण जो है गुणात्मक विशेषताओं या गुणात्मक लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसे आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। फिर आंकड़ों का मात्रात्मक वर्गीकरण क्या होता है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण मात्रात्मक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर, मात्रात्मक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है तो उसे आंकड़ों का मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे गुणात्मक में क्या हो गया, जैसे स्त्री पुरुष है ना के बेसिस पे दे सकते हो, अमीर गरीब के बेसिस पे दे सकते हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ देते हो तो गुणात्मक है, बट मात्रात्मक नंबर की फॉर्म में होंगे, है ना। यहाँ पे प्राप्तांक लिख दिया, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिख दी, तो ये आपका मात्रात्मक विशेषता हो जाएगी, ठीक है ना, इस बेसिस पे। फिर आंकड़ों का अस्थायी वर्गीकरण, तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है, समय के आधार पर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे,
आंकड़ों का अस्थाई क्या वर्गीकरण, यानी समय के अनुसार आंकड़ों को वर्गीकृत करना। तो पहले मैं गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया, दूसरे में मात्रात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया, तीसरे में समय के आधार पर वर्गीकरण किया। समय जैसे मान लो कि 2001 में ये हुआ, 2002 में, 2004 में, इस टाइप से समय के अनुसार क्या कर सकते हैं, वहां पे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देन उसके बाद लास्ट हमारे पास है आंकड़ों का स्थानिक। स्थानिक मतलब जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है, समय सॉरी स्थान के आधार पर किया जाता है। स्थानिक मतलब स्थान के आधार पर। तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश के हिसाब से इस तरह से डेटा दिया होगा, है ना। तो आंकड़ों का वर्गीकरण की मैं बात करूं तो पहला क्या था, गुणात्मक यानी गुणों के आधार पर। नंबर दो यानी विशेषताओं, उसकी विशेषता के आधार पर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मात्रात्मक में नंबर्स की फॉर्म में, यानी मात्रात्मक संख्याओं की फॉर्म में आंकड़ों को यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद आंकड़ों का अस्थायी मतलब समय के अनुसार आंकड़ों को दिखाया जाता है। फिर स्थानिक मतलब स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर आंकड़ों को दिखाया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये आंकड़ों का वर्गीकरण होता है, ठीक है। मैं इसमें टेबल ही बना रहा हूँ, टेबल मैंने बताई दी इस टाइप से बनेगी, जो मैंने आपकी हिंट दी, जैसे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस बेसिस पे यहाँ पे 2001, 2002, 2003 इस तरह से टाइम टाइम दिया होगा। यहाँ पे सिर्फ प्राप्तांक यानी कितने नंबर प्राप्त किए और विद्यार्थियों की संख्या इस तरह से लिखा होगा। यहाँ पे क्या हुआ, गुण यानी अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, इस टाइप से दिया होता है डेटा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 आपका खत्म हो जाता है और मैं जल्द कोशिश करता हूँ आपको फटाफट से जो है चैप्टर नंबर 6 के गए हैं, मैं नोट जो है तैयार करवा दूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। मैं जल्द से जल्दी सेकंड पार्ट, जो भी इसमें सेकंड बोल रहा हूँ, जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, मैं फटाफट से उसको लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।